क्या आजकल आपका हेयर फॉल बढ़ गया है? 90% से ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम से अभी इस टाइम जूझ रहे हैं। जैसे मानसून आता है, बारिश का होना तय होता है, उसी तरह मानसून के टाइम हेयर फॉल का होना तय होता है। इन दिनों क्यों हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारे बाल कमज़ोर होने लगते हैं, बालों में इन्फेक्शन बढ़ जाता है? आज इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। इसकी क्वेरी मुझे बहुत पहले आई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने बहुत लेट इस टॉपिक पर वीडियो बनाया, क्योंकि मॉनसून अब स्टार्ट नहीं, ख़त्म होने वाला है। हेयर फॉल की समस्या इतनी क्यों बढ़ जाती है इस टाइम पे? क्योंकि इस टाइम हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, चिपचिपापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हवा में नमी बढ़ने के कारण हमारे बाल जो होते हैं वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं, फ्रिजाइल हो जाते हैं और टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता रखा है कि अगर आपके बाल 100 तक हैं या थोड़े गिर रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, ये आपको डरने की बात नहीं है। बट अगर मोर देन 100 है, बट मानसून में मैं फिर भी कहूँगी कि वो भी नॉर्मल है, क्योंकि मानसून में जो वातावरण है वही हमारे बालों के अगेंस्ट रहता है, तो हम ज़्यादा अपने बालों की हमें ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा देखभाल नहीं करेंगे तो आपके बाल नेचुरली गिरेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी या आपसे जानना चाहूँगी कि आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, सबसे पहली बात, क्या आप वर्कआउट डेली करते हैं, जिम डेली जाते हैं और अपने बालों को धुलते नहीं, अपने बालों को क्लीन नहीं करते? अगर ऐसा है तो डेफिनेटली टूटेंगे। नेक्स्ट आता है, क्या आप बारिश में आने के बाद अपने बालों को सुखाते नहीं हैं? अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपके बाल टूटेंगे। तीसरा क्या होता है कि क्या अभी इस टाइम पे आप फ्रिक्वेंटली अपना हेयर वॉश करते हैं या नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो भी आपके बाल टूटेंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगी मेन, क्योंकि मानसून के हेयर फॉल से मैं नहीं बोलूंगी कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेना चाहिए। जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, सिर्फ आप ही अपने हेयर फॉल से नहीं परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मानसून में इस टाइम हेयर फॉल से जूझ रहे होते हैं। इसके लिए आपको बहुत सिंपल टेक्निक अपनानी है, बहुत सिंपल तरीके अपनाने हैं। फर्स्ट, सबसे पहले अपने बालों को, अपने स्कैल्प को क्लीन रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस टाइम पे इन्फेक्शंस भी बहुत बढ़ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होने लगता है। आप जब भी यू रब करते हो तो आपके नाखून पे, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे डेड सेल्स आते हैं, बहुत गंदगी आती है, आपके नाखून पे जमा हो जाती है। तो सब सिंपल सा तरीका है कि आपको अपने हेयर को, अपने स्कैल्प को क्लीन करना है। प्रिवेंशन के तौर पर आप 2% कीटोकोनाजोल शैम्पू, आप प्रिवेंशन के तौर पर आप उसे वंस अ वीक यूज़ कर सकते हो, बट अगर डैंड्रफ है तो ट्वाइस अ वीक आपको यूज़ करना चाहिए। आप बारिश से घर में आते हो तो तुरंत अपने बालों को सुखाओ, बट डोंट यूज़ ड्रायर, ड्रायर से नहीं, आप अपने बालों को नेचुरली सुखा सकते हो। करो आप माइक्रोफाइबर टॉल का यूज़ करो, उससे आपको अपने बालों को बहुत रब नहीं करना है, आपको हल्के हल्के हाथों से उसको सुखाना है। अगर आप जिम डेली जाते हो, वर्कआउट डेली करते हो, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। एक तो हमारे वातावरण में चिपचिपापन, और अगर हम डेली वर्कआउट करते हैं उसकी वजह से जो स्वेटिंग होती है बालों में, तो डबल नमी आ जाती है, जिसकी वजह से और तेज़ी से बाल झड़ते हैं। तो आप जब भी जिम जाते हो तो अपने बालों को क्लीन करो। आजकल बहुत सारे ड्राई शैम्पू भी आते हैं जिसमें आपको बालों को गीला ही नहीं करना है, आपको सिर्फ आप उसको स्प्रे करोगे और आपके बाल क्लीन हो जाते हैं। अगर आप जिम जाते हो तो आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो आप ऑल्टरनेट डे पर अपने बालों को क्लीन करो। और सबसे बड़ी बात, जो ऑयलिंग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, ओ गॉड, आप उनको बोलते रहो। मेरे क्लिनिक में भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आप मॉनसून में मत लगाओ, बट वो नहीं मानते। तो अगर आप ऑयलिंग रिचुअल को फॉलो करते हो, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आपको ऑयलिंग नहीं करना है, अगर ऑयलिंग करना ही नहीं है, क्योंकि आप ऑयलिंग करोगे और अगर कहीं आपने ओवरनाइट छोड़ दिया तो आप अपने बालों की बैंड बजा रहे हो। उससे क्या होता है कि आपके बाल और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और हेयर फॉल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ऑयलिंग करना भी है तो शैम्पू के आधे घंटे या एक घंटे पहले हल्का सा उसे गर्म कर लें और फिर उससे हल्के हल्के हाथों से मसाज करके, और इमिजिएटली आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर के बाद यू हैव टू वॉश इट। ब्रॉड टूथ कोम्ब यूज़ करो, जैसे ऐसे कोम्ब आते हैं, और भी बहुत सारे कोम आते हैं, ब्रश आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। अवॉइड स्टीम एंड सोना मॉनसून के टाइम, थोड़ा सा स्टीम, क्योंकि स्टीम और सोना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अपने बालों को हीट मत दो, उसकी वजह से भी बाल बेजान हो जाते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप मॉनसून के टाइम इसे फॉलो करें। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो 50% या 60% आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा।
अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलो। ओके।